हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि मॉडल किचन जो होता है वो कैसे बनता है और कितने रुपए में तैयार होता है। ये हमने एक मॉडल किचन तैयार किया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें लागत लगभग आ चुकी है 55,000। 55,000 इसमें लागत आ चुकी है। इसमें बनवाई भी उसी में ऐड है, बनवाई भी उसी में ऐड है। 55,000 रुपये में ये बन के कम्प्लीट हो गया। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये 60 फीट का था, 60 स्क्वायर फीट था हमारा। देख पा रहे होंगे जैसे ये हमने पल्ले बनाए हैं, ऊपर वाले एक कप के लिए है, ये कॉर्नर वाला है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। देख लीजिए, कॉर्नर के लिए हमने 3 इंच कब्जे का यूज किया है। आप 3 इंच कब्जे का यूज करके भी कॉर्नर का पल्ला आसानी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, इसके साइड में हमने भी एक और कफ वाला बनाया है। देख लीजिए, ये है कफ वाला, तो हमने कॉर्नर के साइड में कफ वाले बना दिए ताकि कफ ग्लास जो भी आप उस रख लीजिए उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा सिंक वाला है, इसमें आप जो भी निरमा या कुछ भी साबुन कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको सिंक को एडजस्ट किया है, बड़ी अच्छी तरीके से इसको अंदर को काट के हमने इसमें इसको फिट किया। उसके बाद पाइप को काटा है, पाइप भी नीचे ले गए हैं नाली को बम्बे में, बड़ी ही अच्छी तरीके से हमने इसको फिट किया। उसके बाद ये हमारा कॉर्नर है, इसमें आप जो भी आटा चावल की कुछ भी रखना चाहते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं। इसमें एक ही हमारा ये है आटा चावल रखने के लिए है, और दूसरा आप कोई नहीं है खांचा, क्योंकि बहुत छोटा सा किचन था इसीलिए हमने कॉर्नर बड़ा कर दिया है। उसी में आप लोग सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बड़ी आसानी से खुलता है हमारा कॉर्नर। ये हमारा प्लेट का जाल है, बास्केट जिसे आप लोग बोलते हैं, ये प्लेट का है। इसमें एक हमने 5 जाल लगाए हुए हैं, एक प्लेट का, एक थाली का है, एक कटरिंग है, 2 सादे हैं। ये हमारा थाली का जाल है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा एक नीचे का सादा जाल है। तो एक में हमने 3 लगाया है, एक में 2 लगाए हैं, ये भी हमारा सादा है। और ये हमारा जो है ये हमारा कटरिंग का है, इसमें आप चाकू छुरिया जो भी रखना चाहते हैं आराम से आ जाएगा। हमने 5 जाल लगाए हैं, एक में 3 एक में 2, क्योंकि उसकी थोड़ी साइज बड़ा था, वो 8 इंच के थे प्लेट वाले थाली वाले, ये एक नीचे वाला 6 इंच का था, बीच वाला 4 इंच का था, और कटिंग वाला भी 4 इंच का था, इसीलिए ये 3 एक में एडजस्ट कर दिए हैं। ये हमारा सिलेंडर वाला खांचा है, जो कि आप सिलेंडर इसमें रख सकते हैं। सिलेंडर रख कर भी हम देख चुके हैं, आपको ये एडजस्ट कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक पिलर छुटा हुआ है, जो कि नीचे से ऊपर तक आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया है। पिलर को बड़ी ही सफाई से इसकी एडजस्ट करना पड़ता है, कि लगभग हर किचन में पिलर होता है। की लागत के बारे में अगर आपको हम बता दें तो इसमें वही 55,000 रुपये, अभी आपको बताया था कि 55,000 रुपये इसमें लगे हैं, जो कि बनवाई सहित लगे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कम भी लग सकते हैं अगर आप इसको वाटरप्रूफ अप्लाई प्रयोग नहीं करते हैं। और हमने माइका जो है इसका, ये भी फाइबर वाला यूज किया है। अगर आप फाइबर वाला माइका यूज नहीं करते हैं तब भी आपके कम पैसे लग सकते हैं, और इससे अधिक भी लग सकते हैं, आप चाहोगे तो इससे अधिक भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी बढ़ जाता है। हमने पूरा वाटरप्रूफ बोर्ड नहीं प्रयोग किया है, आधा प्रयोग किया है, नीचे का ऊपर का नहीं प्रयोग किया। अगर आपको पूरा प्रयोग करना है तो इसकी लागत हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।